राजमंत्री गए और वापस नहीं आए। पता नहीं मुनिवर मिले या नहीं मिले। कुछ समय तक और इंतजार करते हैं, देखते हैं हमारे राजमंत्री कब आते हैं महल में। महाराज, सब चाय का कोड़ बढ़ता जा रहा है। हजार बाल मंत्री जी ने पता नहीं लगा। हजार बाल अभी तक उनका पता नहीं चला। आखिर कारण है कहां इस वक्त? बैठिए महाराज, पता लगा रहा हूं। लग रहा है पापा को लेकर के लड़का दोनों पैदा मिला लेकिन ठीक ना पैदा।
मैं पैदा किया है? ऐसे कहोगे ना महाराज, पैदा आप कैले बाइला तबर भैल। अरे मेरे आने से नहीं हो गए बेटे, महाराज के किस्मत में लिखा था कब होंगे बच्चे, समय से होते हैं, समय पहले नहीं। दवा करो तुम्हारी बच्ची ठीक हो जाए। दवा तो ना मतलब तो हॉस्पिटल में छोड़ लेंगे, इलाज में तनको कमी ना, ये समझ ला कि हमन कौन कौन ओकर संगे हालत का दे ले जा। अरे किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे आत्मा में चले जाओ, आत्मा घबराए ना, भर्ती न ले दो बेताना, बड़े बड़े छलकाव पर तो तड़ाक तड़ाक फूटत आ, जहाँ फूट के छटकत रहो वो जो हो जाते धड़ाक। ऐसे का जितना आ गिरा लो सब तक रोग दे ले आए तक तो ना पहला करो लो। अब ये ना हो कि दहिले ये गिरे वाला ये और को गिरी है। चलो ठीक है, तुम तो हो ना सुखी से। हम तो ठीक है बाबा, हम बाकी पर आके इस समय हम तो लाइटिंग ही हम खाली दिन वाला तैयार थी धूप लगा। अरे उसमें तो और करने की होती है बेवकूफ ना, ये वो बर्दाश्त हो जाता लाइटिंग ही आ गया था बिना बर्दाश्त हो जाता ना, आपको मारता था ना क्या बताएंगे, सड़न पैदा है महाराज। बूढ़ा बैठे था बाबा के शरण में राजन का प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद है महाराज, आपका कल्याण हो। शनिराज की शरण में राजन का प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद हो आपका कल्याण। मुनिवर के चरणों में राजमंत्री का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो, खुश रहो राजमंत्री। जोगीराज की शरणों में राजमंत्री का प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद कहे महाराज, आज इस दरबार में हम लोगों को आप किस लिए बुलाए हैं? युवराज, इस दरबार में बुलाने का कारण यही है कि हमारे पास एक बेटी है जिसका नाम है सत्या। आज शादी योग्य करने योग्य हो गई और उसके बदन में कोई रोग उत्पन्न हो गया और मैंने उसका बहुत उपचार किया लेकिन कोई रोग ठीक नहीं हुआ। जितना दवा कर रहा हूं उतना ही बढ़ता जा रहा है। महाराज ऐसी बात है तो आप अपनी बेटी को इस दरबार में बुलवाइए, जरा हम नहीं देखें कि उसके बदन में कैसा कोट फूट रहा है। द्वारपाल जा, बेटी सत्या को इस दरबार में बुला लाओ। बाबा ठीक करवा बुला ले। जा बेटा जा बुला लाओ। चल ना पाओ तू बाबा, क्यों कितना बड़े बड़े छलकावा पर तड़ाक तड़ाक फूटा हल्का का बोले हल्का होता है वो जलकावा अंग अंग फूटी बेटी सत्या। मेरे गुरुदेव है अधर जगराज, इन लोगों का पैर छूकर आशीर्वाद दे लो। जाओ जाकर हमारे गुरुदेव जी का पहुंच हो, उसके बाद हमारा पहुंच होना। जाओ आशीर्वाद हो तुम्हारा कल्याण हो। इसका कल्याण हो, बाकी सबका नुकसान हो। नहीं बेटा, सबका कल्याण हो। महाराज यही आपकी बेटी है,
हाँ जंगास बस यही है। चुप रहो, कुछ ला मजाक ना, आगल हो चुका है क्या? अब मंत्र तू ले लिया, तू हो भाई यार। आराज कहो जंगास, आपके पास और कोई औलाद है? युवराज हमारे पास एक औलाद और थी, हमारे मंत्री का बेटा था जिसे हमने गोद लिया था, और उसे हमने सोचा कि पढ़ा लिखा करके अच्छा इंसान बनाए, और जब वो सयाना हो जाएगा तो इस राज और ताज का उसे उत्तराधिकारी बनाएंगे। लेकिन उसने हमारी बेटी के साथ बस सलूकी किया और हमने उसे इस राज दरबार से निकाल लिए। किसे आप गोद लिए, वही आपकी बेटी के साथ बसुलूकी करने लगा। हाँ जगराज, महाराज जो जैसा करता है उसको ऐसा ही फल मिलता। महाराज आज मैं आपकी बेटी से कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या पूछ सकता हूँ? जगराज पूछ सकते हैं, मेरा आदेश है। अच्छा इधर आओ, आज मैं तुमसे जितना पूछूंगा क्या तू उसका उत्तर दे सकती है? बाबा मैं झूठ कभी नहीं बोलती हूँ। सत्य बोल सकती है ना? हाँ बाबा। चल बच्चा ये बतला तेरा नाम क्या है? सत्य नाम है बाबा। बहुत अच्छा नाम है बच्चा, अगर तुम्हारा नाम सत्य है तो तेरे भाई का क्या नाम था? भैया का नाम सत्यम था। ये भी नाम अच्छा है बच्चा। अच्छा ये बतला तू सत्यम को अपना भाई मानती थी कि नहीं? अपने भैया को मैं भगवान समझती थी बाबा। यानी कि सत्यम को तू अपना भाई मानती थी? हाँ बाबा। अगर तू सत्यम को अपना भाई मानती थी तो सत्यम तुझे अपनी बहन मानता था कि नहीं? नहीं बाबा। तो क्या मानता था? ओ मुझे अकेले में जब मिलते तो मुझे रखेल बनाना चाहते थे। झूठ बोल रही हो, इसी तरह सड़ सड़ कर मरोगी, जिस तरह नाले में कीड़े रेंग कर मरते हैं उसी तरह रेंग कर मरेगी। तुम कभी ठीक नहीं हो सकती। ठीक कर यार, बाकी सड़ावे गलावे। अरे बच्चा इसके बाद तो मैं कोई सच्चाई नहीं है, ये सरासर झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही? हाँ हाँ। पगा दी बाबा, जानकार हो आगे पीछे के जाने में, 6 महीना आगे 6 महीना पीछे, साफ साफ बता दे। मैं शराब दे दिया ना, अब मैं ढोलवा छोटा सा पड़ा हो तो कुछ हवा भर दी तो ये चल रही कर दिए चाल के। साफ साफ बता क्या झूठ बोल रही है? पिताजी क्या सत्य? क्या बताऊं कैसे बतलाऊं, लेकिन सत्य आज जो भी बात है साफ साफ बतलाओ। अब जो होगा सो होगा पिताजी, लेकिन आज मैं सच बोल रही हूँ पिताजी। देखा हम जानना चाहेंगे, हम हमसे बताओ वाली बात ना कुछ ऐसा बात है, तू अपने मम्मी से बताता चला। ए चाची, अरे महारानी, कुछ ऐसी बात है सत्य हम लोगों से नहीं बताना चाहती, आप पूछ ला। सत्य बेटी, सच सच बोलो बेटी, क्या? माँ सच तो यही है माँ, कि सत्य माई को देखकर मुझे ना जाने क्या हो गया था, मैं सत्यम को अपने भाई के रूप में कभी नहीं देखती थी माँ। मेरा सत्यम भाई तो आज तक मृत्यु पर कभी हाथ तक नहीं लगाया है। माँ मैं खुद सत्यम को हर पल मजबूर करती थी, मैं सत्यम को अपने चूल्हा बनाना चाहती थी माँ, सत्यम को मैं बाहों में सुनना चाहती थी। सत्य मेरे बात को नहीं माना तो मैं कसम खा ली कि जा मैं तुम्हें अपना नहीं पाई, लेकिन मैं तुम्हें किसी तो बनने भी नहीं दूंगी।
पाए तक मेरे तरफ कभी हाथ नहीं लगा है माँ। अरे हरम जाके कुतिया जन्म ले दे तू मर क्यों नहीं गई है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरम जाके, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। महाराज सुन लिए ना सत्य भाई, आप आप मेरे खून को गाली दे रहे थे महाराज, मेरे खून को आप गंदा कह रहे थे, आज सत्य आपके सामने सब शब्द में बताई है महाराज। महाराज का राजवंशी क्या था, मैं आपसे बार बार कहता था कि मेरा बेटा गुनाहगार नहीं है, लेकिन महाराज आप मेरी एक भी ना सुने महाराज, अब तो आपकी बेटी आपके आंखों के सामने है, लेकिन महाराज ये मेरा बेटा तो नहीं ना है। नहीं राजमंत्री, महाराज का राजमंत्री इस राज दरबार में हमेशा इंसाफ करते आप आए हैं, तो आज मेरे साथ भी इंसाफ होना चाहिए। आप दीजिए चाचा। अरे मैं तुम्हें क्या माफ करूं रे बेटी, तूने तो मेरी हरी भरी बगिया को उजाड़ कर रख दी, मैं क्या तुझे माफ करूं। मंत्रीवर सदियों से जब मैं इंसाफ किया हूं तो आज भी शाह दरबार में इंसाफ ही करूंगा, हुक्म करो क्या कहना चाहते हो। महाराज इन हाथों को आप गुनाहगार बनवा दिए, आपके कहने के मुताबिक इन्हीं हाथों से मैं अपने बेटे की दोनों आंख निकाला था महाराज, आज इस राज दरबार में अपने हाथों द्वारा काट के कर्तन अलग कर दीजिए अपने बेटी की। नहीं चाचा, नहीं पिताजी, नहीं पिताजी। कौन है सत्य, कहा जाता है मेरे साथियों कि अगर इंसान किसी से नहीं हारता तो अपनी औलाद से छुप जाता है, आज तूने इस दरबार में मेरा सर झुका दिया है सत्या, मरने के लिए तैयार है जा सत्या। नंबर ए किसी को मारा जाता है मारा तो नंबर नहीं लगाया जाता है। महाराज हम लोगों को दरबार में बुला करके महाराज हम ही लोग के सामने आप अपनी पुत्री का वध करने जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है महाराज, हम लोग इस दरबार से चले जाएंगे, इसके बाद आपका जो दिल करे सो करिएगा, आपको कोई रोकने वाला कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा महाराज। अलीराज हम तो जब तक इस दरबार में रहेंगे कोई खून खराबा नहीं होने देंगे। आज मैं इसके भुलावे में आकर बहकावे में आकर के मैंने अपना बेटा खो दिया, अपने बुढ़ापे का सहारा खो दिया, आप ही बताइए परिवार की मैं क्या कर सकता हूं ऐसी औलाद के साथ। महाराज आज जिसको खो दिया उसके लिए पश्चाताप कर रहे हैं महाराज, जो सामने है उसका गर्दन काटने जा रहे हैं, फिर आपका कौन सा हरा बनेगा महाराज। आखिरकार आप ही बताइए मैं क्या कर सकता हूं,
महाराज छोड़िए उस बात को, क्या सत्यम से आप लोग मिलना चाहते हैं? क्या सुनिए, हमारा बेटा इस दुनिया में जीवित है। हाँ महाराज, आपका पुत्र इस दुनिया में जीवित है। कैसे मैं आपकी बातों पर यकीन करूं कि जिससे मैं हुक्म दे करके आदेश दे करके इसी राज दरबार में तड़पा तड़पा कर मैंने उससे मरवाया, और इतना ही नहीं यहां तक उसको सजा दिलवाया कि उसका दोनों नयन में निकलवा लिया, तो क्या मेरा बेटा इस दुनिया में जीवित होगा? महाराज कहा गया है कि मारने वाले से बचाने वाले की बाह लंबी होती है, किसी का दोनों पैर कट जाता है फिर भी वो जीवित हो जाता है, बच जाता है। हाँ, दोनों हाथ कट जाता है फिर भी वो जिंदा रहता है। तो अगर आपकी इच्छा हो अगर सत्यम से मिलने के लिए तो आप मिल भी सकते हैं महाराज। मुनिराज मेरा बेटा अगर है इस दुनिया में तो उससे मिलवाइए, मुनिराज मुलाकात करवाइए, फिर वही जो जोगी के रूप में देख रहे हैं वही आपका सत्यम है। क्या मेरा बेटा, बेटा सत्य, मैं तो तेरा इतना बड़ा गुनाहगार हूं रे मेरे लाल कि तुझसे मैं माफी भी नहीं मांग सकता। इन हाथों को इन्हीं हाथों से मैं तुम्हें सजा दिया था ना बेटा, कैसे मैं तुझसे माफी मांगू? लेकिन एक पिता होने के नाते मुझे माफ कर दे रे मेरे लाल, कि कम से कम मेरे मरने के बाद मुझे शांति मिले, सुकून मिले, मैं चैन से मर सकूं मेरे लाल। एक मर्तबा पिता कहकर मेरे गले से लग जा मेरे लाल। बेटा पिताजी बेटा सत्य, मैं कैसे तुझसे माफी मांगू? माफी मांगने के काबिल नहीं हूं, क्या मुझे नहीं माफ करोगे पिताजी? सत्यम ये झोलिया सरिया उतार दो और आज सिरा में ताज का सिंहासन का मालिक बनो सत्य। नहीं पिताजी, ऐसा कदाप नहीं हो सकता। जब आप मुझे गोद लिए थे तब मैं आपका बेटा था, अब तो मैं जोगी हो चुका हूं, मुझे अराज और अताज और सिंहासन से कोई मतलब नहीं है, सब मेरे लिए मिट्टी है। क्या कह रहे हो सत्य? मैं सत कह रहा हूं, सत्यम को जानता हूं। जब छोटा था ना बहुत ही जीती था महाराज, आज जो जोग बैराग ले लिया है ना वो अपने गाड़ी से झोलिया संगिया नहीं उतर सकता महाराज। ठीक है राजमंत्री, अगर उसकी यही इच्छा है तो उसे जल्द ही दबाने दिया जाए। सत्या क्या देख रही है? देख यही तेरा भाई सत्या महाना, जिसे तुम मारने के लिए कही थी, देख देख पहाड़ के जैसा खड़ा है मेरा बेटा। अरे मांग ले दो फिर से, शायद इस कोर रोग से तुम्हें मुक्ति मिल जाए। भैया भैया मुझे माफ कर दीजिए भैया। उठो सत्या, मैं तो तुझे कब का माफ कर चुका हूं,
शौक तुम हमेशा खुशहाल रहोगी और सिराज और ताज को लेकर देखना, आज के बाद ऐसी गलती कभी मत करना। भैया इतनी बड़ी गलती मेरी माफ कर दी, तो आज की रात हवेली में रुक जाइए भैया, कल राखी का त्योहार है ना, इसका भागन बहन के हाथों से कल राखी बनवा कर जाइए भैया। रुक जाइए, ऐसा नहीं हो सकता, जब मैं तेरा भाई था तो तू मेरी कलाई में राखी बांधती थी, अब तो मैं जो भी हो चुका हूँ मुझे किसी रिश्ते नाते से कोई मतलब नहीं है। अब चलिए यहाँ से चला जाए, चलिए गुरुदेव। हर नैया में नदिया डूब गई नदी, हर नदिया पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।